एंगर मैनेजमेंट होती क्या है हम गुस्सा किस तरह से हम इसको कंट्रोल गुस्सा बेसिकली आपका एक रिएक्शन होता है आपके टूवर्ड्स योर एक्सटर्नल इन्वामेंट जो कि थ्रेटन हो सकता है कोई अटैकिंग हो हमारी कौन कौन सी इसमें कॉजेज़ हो सकती हैं कॉजे बहुत सारी डिफरेंट हो सकती हैं जस्ट लाइक दैट कि आपके जेनेटिक्स जो है गुस्सा आए तो उसे मैनेज कैसे करना है उसे सिचुएशन पर कंट्रोल कैसे करें तो ये एक्सरसाइजेज़ जो है ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है वो ट्रेन करती है आपको अग्रेशन को कंट्रोल हेल्दी डाइट आजकल कल हमारे जनरेशन जो है वो जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा है हेल्दी डाइट नहीं है जिसकी वजह से आपके केमिकल रिलीज होते हैं जो आपके मूड पर अस्सलाम दिस इज़ खान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आज जिस टॉपिक पे मुझे बात करने का मौका मिला है वो है एंगर मैनेजमेंट सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एंगर मैनेजमेंट होती क्या है हम गुस्सा किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं गुस्सा होता क्या है सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी गुस्सा बेसिकली आपका एक रिएक्शन होता है आपके टूवर्ड्स योर एक्सटर्नल इन्वामेंट जो कि थ्रेटन हो सकता है कोई अटैकिंग हो सकता है तो ये आपका एक रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं एक्शन टू रिएक्शन तो ये आपका एक रिएक्शन होता है टूवर्ड्स योर एक्सटर्नल इन्वामेंट देन उसके बाद ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन हो सकता है कि एक चीज़ जो किसी को प्रोवोक कर ये वो दूसरे बंदे को प्रोवोक ना करे उससे उसको गु़स्सा ना आए और ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन भी हो सकता है एक सिचुएशन में गुस्से की ज़रूरत है और दूसरी सिचुएशन में गुस्से की ज़रूरत नहीं है इसकी एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर पुट करूँगी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल के जैसे कि बॉस है उसने गुस्सा करना है अपनी एम्प्लॉयमेंट पर इन सम सिचुएशन ज़रूरी है कि वह ग़ुस्सा करें इन सम सिचुएशन ये ज़रूरी है कि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो वो रूड हो क्योंकि उसने अपनी प्रोडक्टिविटी लेनी है अपने बेटरमेंट uh, के लिए जो है ये गुस्सा करना है तो उस हद तक हम गुस्से को जायज़ और ठीक करार दे सकते हैं uh, अच्छा अब इसमें यह डिपेंड करता है कि हमारी कौन कौन सी इसमें कॉजेज uh, हो सकती हैं कॉजे बहुत सारी डिफरेंट हो सकती हैं जस्ट लाइक दैट कि आपके जेनेटिक्स जो है फैक्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो सकता है इफ़ समन हैज़ फैमिली हिस्ट्री तो डेफिनेटली ये चांसेस हैं कि उसके अंदर गुस्सा जो है वो उसके एग्रेशन है उसके अंदर ये चांसेस हैं एग्रेशन के आने के देन उसके अलावा जो है आपका अगर आपका फर्म बिलीफ जो है क्योंकि आजकल जिस तरह के हम माहौल में इन्वायरमेंट में है मैं समझती हूँ कि यह बहुत ज्यादा एक मेजर कॉज है हमारे एग्रेशन की हमारे गुस्से की कि हमने अपने एक फर्म बिलीफ बना लिए हमने अपना एक माइंड बना लिया है और मैं ये सोचती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ या जो मेरा माइंड सेट है वो ही सही है हम दूसरों के माइंड सेट को एक्सेप्ट करने के आदि ही नहीं रहे हैं तो मैं समझती हूँ ये बहुत एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से गुस्सा और ये फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है ये हमारा पीक पे जा रहा है और थर्ड हमें रीज़न ये कहूँगी आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल कुछ केसेस में कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम गुस्से को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और वो गुस्सा जो है वो इनडायरेक्टली निकलता है बॉस का गुस्सा है वर्क प्लेस में गुस्सा है तो वो जाकर फैमिली में निकल रहा है बीवी पे निकल रहा है बच्चों पे निकल रहा है तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो जब इंक्रीज़ होना शुरू होता है तो वो आपका एग्रेशन में जो है कन्वर्ट हो जाता है दैन उसके अलावा जो है कोई फिज़िकल एब्यूज़ कोई ट्रामा आ, कोई वॉइलेंस अगर आप इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस कोई पर्सन कर रहा है तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपके अंदर भी एग्रेशन जो है वो डेवलप होना शुरू होता है जो कि जिससे आप बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा जो है वो आप उसका इजहार करना शुरू हो जाते हैं उसके अलावा कोई फाइनेंशियली इशू अगर आप सफर कर रहे हैं फाइनेंशियल इशू से कर रहे हैं दैन उसके रिलेशनशिप इशूज़ हैं तो डेफिनेटली ये चांसेस हैं कि आपके अंदर जो है वो आप गुस्से की सूरत में जो है वो उसको एक्सप्रेस करें अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं दो सिचुएशन है एक सिचुएशन वो है कि हमने गुस्सा जो है सिचुएशन में आना ही नहीं है और दूसरी सिचुएशन ये है कि गुस्सा आए तो उसे मैनेज कैसे करना है उसे सिचुएशन पे कंट्रोल कैसे करना है सबसे पहले तो एक्सरसाइज़ की बात करूँगी कि आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स मैन होती हैं उनमें गुस्सा जो है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा जैसे वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक ग्राउंड में अपना मैच खेल रही हैं तो उनको फ्रस्ट्रेशन लेवल भी है उनको गु़स्सा भी है लेकिन उनको पता है कि उन्होंने किस तरह से इसको

बोला है कि आपने अपना माइंड सेट बना लिया है एक फिक्सड कर लिया है अपनी आइडियोलॉजी के साथ आप चलते हैं तो अगर कोई अपोजिट बात करे तो आपको गुस्सा आ जाता है तो आप इस चीज़ के अंदर आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि आप दूसरों की बात को एक्सेप्ट करें चाहे वो आपकी बात से अपोजिट बात कर रहा है चाहे वो आपकी बात को uh, कर रहा है या अग्री रहा है आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है आपके अंदर इतना होना चाहिए कि आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करना सीखें देन उसके बाद लेट इट बी गो दरगुजर करें आपको किसी ने गाली दे दी है आपको किसी ने बुरा भला कह दिया है तो अपने माइंड पर यह बात कंट्रोल रखें कि किसी के कहने से आप ना तो बुरे बन जाएंगे ना तो वैसे हो जाएंगे ना किसी की गाली देने से तो इस चीज़ को दरगुजर करना सीखे अपने अंदर थोड़ा सा तहमुल और सब्र से जो है सिचुएशन को टैकल करना सीखें दैन उसके अलावा जो है आप रिटर्न रिटरमेंटिलेशन कर सकते हैं आप लिख सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है और आपके पास कोई नहीं है जिससे आप बात कर सकें तो आप अपने गुस्से के इजहार जो है वो लिख के भी कर सकते हैं दैन उसके अलावा जो है आप ये कर सकते हैं कि आप एक हेल्दी वे में अपना गुस्सा जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं आप हेल्दी वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर आपको किसी क्लोज़ वन पे गुस्सा आ गया है तो आप उसको जो है उससे बात कर सकती हैं थोड़ा सा आ, आप उससे बात कर सकते हैं एक हेल्दी वे में अपने गुस्से को एक्सप्रेशन क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है डेफिनेटली अगर आप अंदर रखेंगे अपने जज्बात को और अपने गुस्से को अंदर रखेंगे तो वो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल पर चला जाएगा तो उसको एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी है लेकिन आप उसको एक हेल्दी वे में आ, एक बात करके जो है वो अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं आ, देन उसके अलावा डीप ब्रीथ एक्सरसाइजेज हैं रिलैक्सेशन थेरेपी हैं आप वो भी थेरेपीज यूज़ कर सकते हैं आप अपने आप को रिलैक्स और काम कर सकते हैं तो ये सारी टेक्निक्स हैं इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि आपको जो है वो हम बता सकते हैं तो अगर आपको इसके अलावा जो है आपको ज़रूरत होती है कि आप उससे इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आप कंसल्टेशन की तरफ जा सकते हैं तो आई होप माई वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू थैंक यू सो मच